लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए। नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी भी कार्य को बहुत ही शिद्दत, मेहनत और लगन के साथ करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है, और इस बात को चरितार्थ किया है हिंदी साहित्य वार्ता की ऑनलाइन क्लासेस के उन सभी विद्यार्थियों ने जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और आज अपना सिलेक्शन पाया है। यहाँ पर हमारे उन विद्यार्थियों के कुछ फीडबैक्स हैं, उनके कुछ इमोशंस हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रवीण कुमारी हमारे लिए लिखती हैं कि आई एम सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ PGT हिंदी, और टीचमेंट पे आपकी क्लासेस ने बहुत हेल्प की एंड योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी गुड एंड एडोरेबल। माई फैमिली इज ऑल्सो वेरी थैंकफुल, इवन माई किड्स वर इन टीयर्स व्हेन वी गॉट टू दिस न्यूज। योर ट्यूटोरियल क्लासेज इज admirable. I also worked very hard. No dot paper 1 and 2 were very tough. Now all well. तो हालांकि देखिए बहुत मुश्किल एग्जाम था, लेकिन फिर भी इन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ प्रवीण लिखते हैं कि सच में टीचमेंट में विषय को विस्तार पूर्वक और गहनता से करवाया गया और सरलता से समझाया जाता है, और सफलता का पूरा श्रेय मैं सुभाष टीचमेंट को देना चाहती हूँ, और मेरे विश्वास पर इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो रीना कश्यप के लिए भी हिंदी साहित्य वार्ता परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और प्रवीण ने पहले भी हम एक मैसेज किया था जो लिखते हैं कि थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड टीचिंग, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एंड नाउ आई एम इन द फाइनल लिस्ट। तो वंस अगेन आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण। और अब हमारे सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रेखा, जो लिखते हैं कि आई एम ऑल्सो सेलेक्टेड PGT हिंदी लेक्चरर एंड थैंक यू सो मच सुभाष सर। रेखा के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि यह मेहनत करने से कभी भी नहीं कतराते, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हौसले अपने बुलंद रखने चाहिए, तभी सफलता कदम चूमती है। और इन्होंने हमें ये कहा था कि आप 4 बजे क्लास लगाएंगे, 5 बजे सुबह क्लास लगाएंगे, हम हमेशा तत्पर रहेंगे, बस हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और इस तरीके का हौसला और जज्बा ही हमें कुछ कर गुजरने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। तो आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई रेखा। और इसके साथ साथ अगले जो हमारे कैंडिडेट हैं ये हैं तबस्सुम, जो कि हिमाचल प्रदेश के आपका जो सिरमौर ज़िला है उसके पौंटा साहिब से संबंध रखते हैं। ये लिखते हैं कि थैंक्स रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर PGT। थैंक्स फॉर योर गाइडेंस एंड टीचिंग मेथड एंड मोटिवेशन। 100% क्रेडिट gone to you sir, you always put me and cooperate with me। तो आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि जिस लगन और निष्ठा के साथ आपने एग्जाम में अपना 100% दिया है उसी के चलते आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे सामने हैं अति कुमारी, जिन्हें प्यार से आरती के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हमारे साथ ये आरती के नाम से ही रहे, अति कुमारी के नाम से नहीं रहे। आज ही हमें पता चला कि अति कुमारी जो है ये आरती का ही नाम है, इसलिए आप जो है आरती के नीचे अति के नीचे आरती छुपा हुआ दिख रहे हैं। हालांकि पिछले 3 साल से ये कह रहे हैं कि हम हिंदी साहित्य वार्ता की क्लासेस से जुड़े हुए थे, और इस दौरान पूरी विषय को जो गहनता और विस्तार पूर्वक पढ़ाया और समझाया गया, और ये कहते हैं कि मैं भी अपनी सफलता का श्रेय जो है हिंदी साहित्य वार्ता चैनल को देना चाहती हूँ। तो आपको भी बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ और बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई आपको। और नेक्स्ट कैंडिडेट हैं हमारे कमलेश राणा, ये लिखते हैं कि थैंक्स फॉर हिंदी साहित्य वार्ता एंड सुभाष ठाकुर सर। तो कमलेश के लिए भी हिंदी साहित्य वार्ता परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और जो ज्ञान की ये अलग है उसे यूं ही जलाते रहें। आपकी एक्साइटमेंट आपकी बातों से, आपके फ़ोन कॉल से, आपके मैसेजेस से हमें पता चल रहा था कि आप कितने ज़्यादा खुश हैं, और यही खुशी आप हमेशा आगे भी ऐसे ही खिलखिलाते रहें और ऐसे ही आप ज्ञान की लौ जलाते रहें। नेक्स्ट कैंडिडेट हैं हमारे साथ सतीश, इन्होंने भी बहुत ही मेहनत भरा सफ़र जो है इनका रहा, इनके लिए भी हम हिंदी साहित्य वार्ता परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ प्रेषित करते हैं कि आप भी शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाएंगे और अपने विद्यार्थियों को जो है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। अगले कैंडिडेट हैं हमारे नितिन, जो कि हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा से संबंध रखते हैं, इनके लिए भी हम साहित्य वार्ता परिवार की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और नितिन ने भी बहुत सारे एग्ज़ाम इस दौरान दिए, लेकिन
अंततः अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल इन्होंने किया है पीजीटी हिंदी के रूप में। तो आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नितिन पूरी परिवार सहित। एंड इसके बाद हमारे जो अगले कैंडिडेट हैं ये हैं अनु बाला। अनु बाला के बारे में बता दूं, हालांकि ये पहले से ही अध्यापन कार्य में कार्यरत थे भाषा अध्यापक के तौर पर, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने अपनी जो मेहनत है, अपना जो परिश्रम है, उसको नहीं त्यागा और अपने को सीमित न करते हुए और आगे इन्होंने रखा और आज इन्होंने पीजीटी हिंदी की जो परीक्षा है उसको भी उत्तीर्ण कर लिया है। तो आपको भी साहित्य वार्ता परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए और हमेशा प्रगति की राह पर चलते रहें। वंस अगेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और इसके साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स को भी मुबारकबाद मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, लगभग 113 विद्यार्थियों ने। आप सभी भविष्य में अपना जितना भी आपने यहाँ तक का अनुभव है आपका रहा है उसको विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आप एक नई बुलंदियों को छुएंगे। और उन विद्यार्थियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं कि आप मेहनत करते रहिए, मेहनत का परिणाम जो है वो हमेशा मिलता ही है। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।